हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रसाद देशमुख और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल BCA स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन C++ ये प्रोग्राम आपको करके दिखाने वाला हो, तो वीडियो लास्ट तक देखने ला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट डालने के लिए आपको दो स्लैश देने पड़ते हैं। ऐसे हम कर शॉर्ट में लिखते राइट अ प्रोग्राम इन C++, राइट अ प्रोग्राम इन C++ कोमा एंटर अ टू नंबर्स enter two numbers to do the addition and display it. Enter. सबसे पहले आपको hash include iostream .h ये आपको extension लगाना है। इसके बाद enter। hash include क्यों लिखा है आपको पता होगा, है क्योंकि ये hash include है, ये pre-processor का काम करता है। और iostream .h ये जो है ये header file से उसके आगे hash include conio.h, ये भी एक header file से conio.h, ये header file से और hash include ये pre-processor है, तब तक ये आप समझ लेना। आगे है void main, enter कर देना, open कर ली, आपको ध्यान से देखना, ओपन कर ली, जहां से ओपन करोगे वही सीधा नीचे जहां पे क्लोज करना है वही पे क्लोज करना, ठीक है ना। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन है ना वो यूज करना है। क्लियर स्क्रीन, और ये एक मेन बात आपके ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो एंड विथ सेमीकॉलन हर स्टेटमेंट void main से नीचे कहाँ तक get ch तक हर स्टेटमेंट आपको सेमीकॉलन से एंड करना है, ठीक है ना। एंटर। अभी हमें क्या करना है, देखो राइट अ प्रोग्राम इन C++, हमें C++ में प्रोग्राम लिखना है। उसके लिए हमें दो इंटीजर टाइप के नंबर आए तो इंटीजर टाइप के int हम a1 लेते हैं और A2 लेते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए A1 A2 आगे देखते चलो। सबसे पहले आपको डिस्प्ले करने के लिए Cout स्टेटमेंट है, Cout enter a first number, बाद में sin स्टेटमेंट, इससे आप वैल्यू इसमें एंटर कर सकते हैं। सीन स्टेटमेंट किस में आपको एंटर करनी, A1 में। सी आउट ये दो स्टेटमेंट हो गई। उसके नीचे आपको क्या करना, अभी ये जो है ना एंटर A1 और A2 में वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, एडिशन करनी है। उसका मतलब एडिशन करने के लिए आपको और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने दो ले लिए ना, ये फर्स्ट वाला एडिशन के लिए और दूसरा एडिशन वाला, और एक स्टोर करने के लिए होना चाहिए ना हमारे पास। हम स्टोर करने के लिए एड या सम, नहीं सम ले लेते हैं ना, सम ये वेरिएबल ले लेते हैं, ले लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है sum equal to, एडिशन किसकी करनी हमें, A1
प्लस ए टू, इसका मतलब है ए वन और ए टू की जो एडिशन है वो सम में आ जाएगी। जो आपको इक्वल टू का दिख रहा है ना, वो इक्वल टू नहीं है, वो असाइन ऑपरेटर है, उसे को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसका मतलब दो जो दोनों के एडिशन है ना वो सम में डालता है, सम में एंटर करता है, ठीक है ना। तो सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड करना है हमें। सेमी कॉलन देते हैं, फिर एंटर, फिर हमें क्या करना है, अभी हमारी जो वैल्यू है ना तो सम में ऐड हो चुके हैं, अभी हमें उसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है, सी आउट, सी आउट स्टेटमेंट। हम क्या अभी जो डिस्प्ले करने के लिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, हो गया। अभी हमें वैल्यू किसमें, हमारी जो टोटल वैल्यू है कहाँ में, किस में आई है, सम में आई है, तो सम डालेंगे। सेम गेट सी एच एंटर, और जहाँ पे ओपन कर ली क्या ने मैंने, वहाँ वो उसके नीचे सीधा नीचे वो क्लोज करने डालना है, ठीक है ना। हो गया आपका प्रोग्राम, अल्ट एफ नाइन से आपको रन करना है, ये रन हो गया हमारा। एंटर अ फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हम डालेंगे चलो डालते हैं 30 डालते, ठीक है ना, 30। सेकंड डालते हैं 150, अब टोटल मिलेगा 45, 45, हाँ 45 टोटल भी टोटल एडिशन आ जाएगी, चलो देखते। और गाइस एकदम सही आ गई है, और ये हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो चुका है। तो ऐसे ही आपको प्रोग्राम और देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।